नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मानव जीवन की कुछ विशेषताएं बताने वाले हैं, यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, मानव जीनोम की कुछ विशेषताएं। देखिए, मानव जीनोम में जो बेस होते हैं वो 3164.7 करोड़, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। सेकंड पॉइंट है, एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस बट साइज वेरी ग्रेटली विथ द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन विंग्स डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 बेस होते हैं जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मनुष्य को सबसे बड़ी जो जीन होती है वो डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड़ बेस मिलते हैं। डिस्ट्रोफिन जो होती है जीन, उसमें 2.4 करोड़ बेस मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट 18,000 to 140,000 जीन। यानी जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले से अनुमानित संख्या जो थी 80,000 से जो 140,000 से जो काफ़ी कम है। यानी जीन की जो संख्या है वो 30,000 है। लगभग सभी, हम बात करें 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड जो क्षार होते हैं वो एक समान होते हैं। यानी कि 99.9% लोगों में न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं, सेम न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला पॉइंट है कि जो खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फंक्शंस आर अननोन फॉर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। जो 50% जीन जो खोजी गई हैं उनके बारे में अभी भी जानकारी अननोन है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन को जो कोड करते हैं, यानी कि लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जो होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have direct coding functions, but they shed light on chromosome structures, dynamics and evolution. जो repeated sequence हैं वो बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है, repeated sequence के द्वारा होता है। तो जो रिपीटेड सीक्वेंस है, डीएनए के फैले हुए भाग हैं जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार रिपीटेशन होता है, जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कोडिंग में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनके गुणसूत्र की रचना में, संरचना में, गतकीय में यानी डायनेमिक्स में और विकास के कार्यों में जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कि क्रोमोसोम 1 होता है, उसमें सबसे मोस्ट जीन्स, सर्वाधिक जीन पाए जाते हैं 2968, यानी कि 2968 जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम 1 में। और सबसे कम जो फ्यूएस्ट जीन पाए जाते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम वाई में, 231 जीन। यानी कि सबसे अधिक जीन पाए जाएंगे क्रोमोसोम 1 में, 2968 जीन, और सबसे कम जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम वाई में, 231 जीन। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग अलग इन्होंने सिंगल बेस डिफरेंस
को इन्होंने पता लगाया, जिसको क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरिज्म। यानी साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन ल्यूकोसेंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, सिंगल जिसको स्निप्स बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स इन ह्यूमंस। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। तो जिसे स्निप्स कहा जाता है का पता लगाया, उपयुक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन प्लेसेस को जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, के बारे में जानकारी मिलती है और ये काफ़ी मददगार होती है। यानी कि दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस्ट करने में और जो डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस है उनको पता लगाने में ये इन्फॉर्मेशन क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये तो थे साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी कि मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, धन्यवाद। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।